हेलो भाई, नमस्कार। तो जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है, आप लोगों को बताया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आज हमको ये कोशिश करना है कि हमें फिजिक्स को हम कैसे सीख सकते हैं, अर्थात इसको हम कैसे समझ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ज्यादातर बच्चों के दिमाग में और यही पॉइंट आता है कि ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक्स हो, ऐसा कोई शॉर्ट वे हो, ऐसा कोई प्रोसेस हो जिससे कि हमारा जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। आफ्टर दैट फिजिक्स से फिर कोई काम होगा ही नहीं। तो इस टाइप के बच्चे होते हैं। दूसरे टाइप के बच्चे आते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमें फिजिक्स को समझना है, इसकी जो बेसिक्स हैं, कंसेप्ट हैं, फिजिक्स के अलावा और भी जो सब्जेक्ट है आपकी, जीके है, मैथ्स है, एनीथिंग एल्स है, तो उसमें क्या होता है आपका कि अगर कंपटीशन आपको क्वालिफाई करना होता है, एक तो होता है कि आपके की पासिंग मार्क्स वाली बात होती है, तो पासिंग मार्क्स तो अप्रोक्सीमेट सभी बच्चों के आ जाते हैं, बट वैकेंसी के अकॉर्डिंग वहां पर आपको स्कोर इतना करना है कि जितनी वैकेंसी वहां से टॉप से और आप मेरिट में इन्वॉल्व हो जाए। तो उस जगह में आपको क्या होता है कि अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें से अप्रोक्सीमेट 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अप्रोक्सीमेट सभी बच्चों के द्वारा वो अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो वहां से आपका इतना स्कोर बन नहीं पाएगा जिससे कि आप मेरिट में अर्थात कट ऑफ में इंक्लूड हो जाए। उसके बाद जो बचे हुए 40 क्वेश्चंस हैं उनमें से 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चा हार्ड वर्किंग वाले होते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, हर चीज को छोड़ करके त्याग करके उन्होंने केवल पढ़ाई पे कंसंट्रेट किया है, फोकस किया है, तो वो बच्चे उन 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वहां से आपका अप्रोक्सीमेट 100% चांस बनता है कि यू विल फाइट द एग्जाम, अर्थात आप जो मेरिट की कट ऑफ है उसमें आप इंक्लूड हो जाओगे। इसके बाद जो बचे हुए 20 क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को केवल वो ही बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं जिन्होंने फिजिक्स को या कोई भी सब्जेक्ट को उसको उसकी क्वांटिटी के पीछे भागने के बजाय उसके जो बेसिक्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, उन पे ध्यान दिया होता है। और वो एक्चुअली जो 20 क्वेश्चंस हर एग्जाम में बोर्ड के द्वारा इंक्लूड होते हैं या बनाए जाते हैं उनमें फोकस भी यही होता है कि ये जो आपके 20 क्वेश्चंस हैं ये केवल अटेम्प्टेड उन्हीं बच्चों के द्वारा हो सकते हैं जिन्होंने एक्चुअली उस सब्जेक्ट की बेसिक्स को पढ़ा है। और अगर उन जो आखिरी वाले 20 क्वेश्चंस हैं अगर उनमें आपकी एंट्री हो जाती है तो डेफिनेटली 100% यू विल क्रैक द एग्जाम। जो कट ऑफ है मेरिट है उसमें 100% इंक्लूड होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो अगर अभी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में क्या होता है कि सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि फिजिक्स को अगर आप बोरिंग वे से, अगर इसको आप एक इस हिसाब से ऐसे दिमाग से पढ़ने की कोशिश करते हो, चांसेस कि आपको ये फिजिक्स बोरिंग फील होती है, तो यू हैव टू चेंज योर वे। आपको आपको अपना वे जो है बदल देना चाहिए क्योंकि फिजिक्स एक्चुअली एंजॉयबल सब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली फिजिक्स में हम देखते क्या है, जो हमारे चारों ओर की सभी चीज़ें हैं बेसिकली जो होती हैं, जैसे कि इस कैमरा के द्वारा मेरा वीडियो बन करके आपके फोन तक आ रहा है, इसका एक्सप्लेन भी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ही होगा। मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक आती है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन फिजिक्स। यू कैन सी मी, यू कैन हियर मी, एवरीथिंग अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर सभी चीजें हैं, वी कैन एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स। उनको हम भौतिक विज्ञान के आधार पर उनका वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है फिजिक्स में, मैं आपको बताता हूँ अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब पर फिजिक्स बाय सतीश गुरुकुल क्लास है। इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड इफ यू थिंक my videos are helpful for you, then you have to subscribe my channel, please. अब यहाँ से क्या होता है कि फिजिक्स में अगर हमको इसको फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो यहाँ पर एक स्टेप आता है। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में, मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक ही पॉइंट आता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो, चाहे वो भले हो हीट का हो, ऑप्टिक्स का हो, मैकेनिक्स का हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो, एनी पार्ट, कोई भी पार्ट हो, फिर इसका तो वो चाहते हैं कि ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट वे हो, शॉर्ट मेथड हो जिससे कि उसका आंसर पढ़ते ही आ जाए। तो यहाँ पर ऐसा भी हो जाएगा, बट लेकिन वहां पर आपको कुछ टाइम के लिए थोड़ा आपको टाइम जो है वो फिजिक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा अच्छे से। अब यहाँ पर जो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना ही बनाना है।
वो पार्ट आता है आपका मैकेनिक्स और ये होती है आपकी यांत्रिकी। इस पार्ट के अलावा मैंने आपको अपने जो पहले वाले वीडियो है उनमें इसके बारे में बताया था, और जितने भी अदर जो पार्ट है उनमें से अगर कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है या कोई भी हार्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व जरूर होती है। और यहाँ पर इसमें में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है, जो टॉपिक आता है, वो होता है आपका वेक्टर। वेक्टर के बारे में आपको अच्छे से समझ लेना है। ये दो टॉपिक है, वेक्टर का, उसके वेक्टर का वियोजन, उसका जोड़ना घटाना, एवरीथिंग। तो यहां से अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है फिजिक्स में, चाहे भले वो कोई भी पार्ट का हो, उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपको एक क्वेश्चन को जब तक आप उसकी बेसिक्स को समझे बिना, अगर आपके पास में सवाल है और उसका सॉल्यूशन है, हल है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, इधर से आपने सॉल्यूशन को चेक किया, उसको उतार दिया, तो उसके बाद में आप जो आगे वाला सवाल आपके द्वारा होना, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर जो आपने पहले वाला क्वेश्चन किया है विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पर जाए बिना, चाहे भले उसमें आपको कितना भी टाइम वेस्ट करना पड़ा हो, जैसे भी आपको एक फॉर एग्जांपल, अभी अभी एक दबाव में एग्जांपल आता है कि इसी में मैकेनिक्स में एक कंसेप्ट आती है, एक बेसिक थ्योरम है कि जो संरक्षी बल होते हैं, संरक्षी बल के अंतर्गत किया कार्य मार्ग से स्वतंत्र होता है, मार्ग से स्वतंत्र होता है। ये मैं जब एक बार अपने जो मेरा बैच था उसमें जब मैंने पढ़ाया था तो किसी बच्चे ने पूछा था कि सर इस चीज को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल बताना है जहां से कि ये चीज प्रूफ हो कि जो संरक्षी बल होते हैं उनके अंतर्गत जो कार्य जो होता है वो मार्ग से इंडिपेंडेंट होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि द वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस बी इंडिपेंडेंट ऑफ पथ, वह मार्ग से स्वतंत्र होता है। अब यहां पर आपका क्या है कि मैकेनिक्स में जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, उसका एक ही फॉर्मूला होता है, उसी को हमें बेसिक बनाना है, उसी से भी किसी भी चीज में, अगर जैसे कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है F(d)cos θ। यहां पर अब आपको बताएंगे यहाँ पे वर्क है तो यहाँ पर ये क्या है आपका, ये फोर्स होता है, ये और मतलब ये बल है, ये विस्थापन है, और ये एंगल कौन सा है, ये एफ और डी वेक्टर के बीच का एंगल है, यहाँ पर ये कोण है। तो यहाँ पर इसका क्या होता है यहाँ पे, तो यहां से अगर इसको प्रूफ करने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं, तो यहां से वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो यहां से एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक बॉडी है, वस्तु है, उसका मास एम है और वो यहां पर है, और वी हैव टू शिफ्ट दिस बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। इस वस्तु को हमें ए से सी बिंदु पर शिफ्ट करना है, तो इसके इसमें हमारे पास मार्ग दो है, पथ फर्स्ट और पथ सेकेंड। एक बार तो हम डायरेक्ट ए टू सी जाएं और एक बार हम ए टू बी जाएं, फिर बी टू सी जाएं, और इन ये एंगल क्या है, थीटा है। और मैं मानता हूं कि ये जो आपकी ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां से ए से सी तक की दूरी आपकी एच है आपकी। तो सिंपली बात है, अगर हमें ए टू सी जो वर्क फाइंड करना है कि अगर हम पहले मार्ग से बिंदु सी तक जाते हैं तो A to C जाएंगे तो यहां पे वर्क डन विल बी F, वो ही है एफ डी कॉस थीटा। तो F की वैल्यू आपकी आती है mg के बराबर है यहां पर, और फोर्स आएगा आपका इधर mg, बस तो जा रही है किधर, ऊपर की ओर, तो ये आपका वेक्टर आ जाएगा स्मॉल वेक्टर, अर्थात विस्थापन और बल है इन दोनों के बीच का कोण है ये थीटा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस थीटा के बराबर है यहाँ पे। तो एफ
इंटू जी इंटू एच कॉस 20 प्लस थीटा। तो यहां से डब्ल्यू ए सी इज इक्वल टू यहां से आ जाता है एम जी एच और इसकी वैल्यू आती है आपकी कितनी माइनस साइन थीटा यहां से। तो ये आपका है वर्क डन अलोंग पथ एसी। अब हम जाते हैं ये आपका था फर्स्ट पथ और सेकंड पथ के अलोंग अगर हम जाते हैं तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी फोर्स का आ रहा है आपका इधर और वस्तु जा रही है कहां इधर तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो ए से बी में अगर मैं जाऊंगा तो एफ एम जी फोर्स है इंटू ए बी इंटू कॉस 90 और इसकी वैल्यू आ जाती है जीरो। अर्थात ए से बी तक जाने में वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है अर्थात उसका वेट है उसके द्वारा जो वर्क डन हुआ है उसकी वैल्यू जीरो है। अब यहां से जाना है कहां पे हमें बी टू सी अगर हम जाएंगे तो फोर्स कहां आ रहा है इधर आ रहा है एम जी वस्तु जा रही है वहां पे ऊपर की ओर तो फोर्स इंटू इसकी वैल्यू बी सी है यहां से। अब फोर्स इधर और जा रही है वस्तु ऊपर की ओर तो इट विल बी 180 तो यहां पर आ जाएगा कॉस 180। तो यहां से डब्ल्यू बी सी विल बी इक्वल टू कॉस 180 की वैल्यू आती है माइनस 1 तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एम जी इंटू बी सी। अब एस वाला ये वाला जो आता है ट्रायंगल जो है यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेनस में एच है तो बी सी की वैल्यू एच साइन थीटा तो बी सी की जगह पे मैं एच साइन थीटा कर सकता हूं यहाँ पे। तो आप वी कैन चेक आउट इजली के यहाँ पर ए टू बी टू सी जाने पर भी जो कुल जो कार्य आया वर्क डन आया वो उतना ही आया जो हम ए सी के अलोंग जा रहे थे। तो इसका अर्थ हुआ कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं संरक्षी बल जो होते हैं उनके अंडर में जो वर्क डन होता है वो पथ से इंडिपेंडेंट है चाहे भले आप ऐसे चले जाओ चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ। तो यहां पर किसी भी चीज को कोई भी अगर पॉइंट आपके सामने आता है तो उसको एक बार अगर उसके बेसिक्स में अगर आप जाते हो उसको समझते हो अच्छे से तो उससे अटैच जो भी क्वेश्चन आएगा वो 100% आपके द्वारा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको फाइनली दो एक चीजें और बता देता हूं यहाँ पे कि जैसे वाले थे फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल बेसिक्स होते हैं लॉस यहाँ पे सबसे पहला जो आपका फंडामेंटल बेसिक आपको ये याद करना है हमेशा ज्यादातर इसमें आपका आता है सबसे पहले कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आपको मैं यहां पर आज चार ही जो फंडामेंटल बेसिक्स है उनको बताऊंगा इनमें से आपका चार वैसे अप्रोक्सीमेट कोई भी टॉपिक कोई भी पर्सन कभी बाहर कोई गई नहीं अगर इनको आप अच्छे से समझ लेते हो तो। जैसे पहला आता है आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है तो इसका इजी सा अर्थ क्या है इसको हम बोल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये हमें बताता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं विलगति निकाय के अंदर जो है वो टोटल चार्ज जो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। ये केवल एक एलिमेंट्री पार्टिकल से या बॉडी से दूसरी एलिमेंट्री बॉडी पर या पार्टिकल पर केवल उन दोनों के बीच में एक्सचेंज या ट्रांसफर हो सकता है बस। बट जितना चार्ज इनिशियली था उतना ही चार्ज फाइनली होगा। ये आपका मैं बस बेसिकली इतना चीज बताता है कि अगर हम बात करते हैं ये अपना सिस्टम है कोई और इसमें दो इसके एलिमेंट्स हैं ए और बी है। अब यहां पर क्या है कि अगर ए पर चार्ज प्लस 4 है और इस पर चार्ज 0 है और इसने मान लेते हैं कि इसको यहां पर दो इलेक्ट्रॉन इसको भेज दिए यहां से तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव 2e के बराबर और इस पर अगर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसमें से चार में से दो कम तो यहां पर आ जाएगा 2e के बराबर। इनिशियली चार्ज प्लस 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 था और फाइनली चार्ज 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 था।
तो यहाँ पर इजी सब है, इसको कंप्लेक्स के केवल चार बेसिक्स हैं, इनको आपको समझ लेना अच्छे से। बस पहला क्या है कि कोई भी इस सिस्टम पर अगर हम बात करते हैं तो जितना चार्ज उसमें इनिशियली था उतना ही चार्ज उसमें फाइनली होगा। केवल वो जो उसके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उसके अंदर जो वस्तु है जो कण है या कुछ भी चीज है उनके बीच में वो बस आपस में एक्सचेंज हो सकता है। इसके बाद में मैं आपको दूसरा यहाँ पर बेसिक्स बताता हूँ, वो आपका आता है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका सिंबल आपको बताइए P=mv होता है। अब ये एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग मैकेनिक्स में आएंगे तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक जो फंडामेंटल है ये एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर भी ये है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में in absence of any external force किसी निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित होता है। तो यहां पर ये सी बात आपको समझना क्या है कि अगर किसी सिस्टम की बात करते हैं, अब एक्चुअली देखो यहाँ पर एक वर्ड बार बार में आ रहा है सिस्टम, और मैंने आपको उसको पहले भी बता दिया है सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिस्टम का मतलब है द बाउंड्री ऑफ यूनिवर्स अबाउट विच वी थिंक और कंसीडर एट एनी इंस्टेंट। किसी भी क्या ब्रह्मांड की वो परिसीमा जिसके बारे में हम सोचते हैं या बात करते हैं अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम। अब यहां पर इस बेसिक फंडामेंटल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी सिस्टम पर बाह्य बल शून्य हो इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेखीय संवेग कोई भी सिस्टम का संरक्षित या कंजर तब होगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो। एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक होता है इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल वो बल होता है जो उस सिस्टम के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनसे अलग अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स से उसमें फोर्स अप्लाई हो। और इंटरनल फोर्स क्या है कि उसके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो कड़े उन्हीं में आपस में फोर्स अप्लाई हो उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। और उसके टाइप भी बहुत सारे हैं, तो ये सारे वर्ड सब मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इसमें समझना क्या है कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो ऑन एनी सिस्टम, अगर किसी निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित है शून्य है तो उस निकाय का रेखीय संवेग वो संरक्षित रहेगा, अर्थात जितना पहले था उतना ही बाद रहेगा। तो यहाँ पर बस इसको आपको इतना ही ध्यान करना, लेकिन जैसे कि ये आपका सिस्टम है इसमें पार्टिकल्स दो है m1 एंड m2, इनका इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसका मैंने क्या है u2 है यहां से इस साइड में एनीवेयर एल्स। अब इनमें आपस में जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, इनमें आपस में इंपैक्ट हुआ, कोलिजन हुआ, संघट्ट हुआ, तो इनका फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v1 एंड v2, ठीक है। अब यहां पर हमें सबसे पहले चेक करना है कि इस जो ये जो आपकी थ्योरम है या फंडामेंटल लॉ है इसको कौन सी जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम उस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो। अब इसमें क्या था कि इस सिस्टम में दो पार्टिकल्स थे m1 एंड m2, दोनों पार्टिकल्स में आपस में इंपैक्ट हुआ, उनकी जो वेलोसिटी जो वेग पहले जो थे उससे उनमें कुछ परिवर्तन हो, तो जो भी चेंजमेंट हुआ इनके अंदर हो क्योंकि इनमें इंपैक्ट हुआ खुद में, और ये जो पार्टिकल है इसके खुद के पार्टिकल है एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, तो इनमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो वी कैन अप्लाई दिस फंडामेंटल लॉ। ये पॉइंट यहां पर अप्लाई हो सकता है, और इसको हम ऐसे अप्लाई करते हैं m1 u1 plus m2 u2 = m1 v1 plus m2 v2,
ये क्या है, तो इसमें फंडामेंटल जो आपका बेसिक जो लॉ है इसमें आपको समझना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एग्जामिन दैट द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो और नॉट। सबसे पहले हमें इस चीज को चेक करना है कि उस पर वाह्य बल शून्य है या वाह्य बल कुछ है। अगर कुछ वाह्य बल वहां से अप्लाई हुआ तो ये आपका ये जो फंडामेंटल बेसिक है यू कांट अप्लाई, ठीक है। और इसमें अगर वाह्य बल शून्य तो यू कैन अप्लाई। क्या तीसरा आपका यहाँ पर पॉइंट आ जाता है थर्ड बेसिक में, आपको बताता हूं जिसको आपको समझना है अच्छे से। और वो यहाँ पर थर्ड वन में आपको बताता हूं, थर्ड वन बताता हूं मैं आपको। और थर्ड वन आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहां पर उसमें था रेखीय, इसमें आता है कोणीय संवेग, उसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने की शर्त थी, इसमें एक्सटर्नल टॉर्क अर्थात बलावेग बाह्य बलावेग, अगर बाह्य बलावेग जीरो है एक्सटर्नल टॉर्क यहां पर क्या है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम पर जीरो है तो यहाँ पर उस सिस्टम का कोणीय संवेग अपरिवर्तित होगा। बस यहाँ पर इजी समझ ये है, बस यहाँ पर आपको ध्यान करना है क्या चीज कि इसमें इसमें वाह्य बलावेग शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल इसमें भी बता देता हूँ कि यहाँ पर कि ये कोई एक्सिस है यहाँ पर और इस एक्सिस के अबाउट ये जो छड़ है या कोई भी चीज है अगर वो एक एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है कोणीय चाल से, और यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पर m1 है एक पार्टिकल यहाँ पर m2 है, दूरी कितनी है r2 है, इसकी दूरी कितनी है r1 है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि अगर ये पार्टिकल थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है तो इसकी कोणीय चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कुछ इंटरचेंज हुआ जो कुछ इसमें चेंजमेंट हुआ वो उसके सिस्टम के खुद के अंदर हुआ, एक्सटर्नल कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी है नहीं, तो यहाँ उस जगह पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताता है कि ये बताता है हमें कि किसी भी वस्तु पर या किसी भी सिस्टम पर वाह्य बलावेग जो होता है उसके कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर मैं कर सकता हूं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन भी जीरो होगा। इस कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का सिंबल आता है एल और जी, तो इसमें चेंजमेंट भी जीरो होगा कब, जब इस पर वाह्य बलावेग शून्य होगा तो एक्सटर्नल टॉर्क। तो यहां से एल वन इज इक्वल टू एल टू, तो एल इज इक्वल टू आता है आई ओमेगा, तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा। तो बेसिक्स फंडामेंटल चार है लेकिन चारों की अपनी अपनी कंडीशन है। पहले पहले वाला मैंने आपको बताया था आवेश वाला, उसमें क्या है कि जो कुछ भी चार्ज का एक्सचेंज हो वो सिस्टम के अंदर होना चाहिए। दूसरा बताया था मैंने आपको रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, उसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। और तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, इसमें एक्सटर्नल टॉर्क या बाह्य बलावेग शून्य होना चाहिए। और फोर्थ वन आपका आता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। तो यहां पर क्या है इसकी सिंपल सी डिफाइन है कि इसको हम लिख सकते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न हो सकती है और ना ही नष्ट, और ना ही नष्ट यहां पर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना उत्पन्न हो सकती है ना खत्म, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर है। वैसे ये आपका फंडामेंटल बेसिक्स में ही आता है लेकिन यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी एंड मास कैन चेंज इनटू ईच अदर। तो इससे आगे वाले वीडियो में आपको फिजिक्स के और बेसिक्स के बारे में बताऊंगा और फिजिक्स को हम कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।